श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते दोस्तों, आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत है। कल 1 अगस्त अधिक मास की पूर्णिमा पर हमने यह महा उपाय करना है। यह महा उपाय करने के लिए हमने 5 दीपक जलाने हैं। यह 5 दीपक कौन सी बाती से जलाने हैं, इसमें घी डालना है या तेल डालना है, यह दीपक हमने कहाँ रखने हैं, इसकी बाती कौन सी तरफ होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आखिर तक देखिए। अधिक मास में यह पूर्णिमा आ रही है, 800 साल के बाद यह मास योग बना आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तिथि को बिल्कुल जाने मत दीजिए। इस तिथि के समय हमने यह महा उपाय जरूर करना है। इस उपाय के साथ साथ ही हमने 2 और भी उपाय बताए हैं। तो आपको इन उपायों में से जो भी सही उपाय लगता है, यह उपाय आपने जरूर करना है। एक भी अगर उपाय आप यह कर लेंगे तो आपके घर में पैसों की तंगी बिल्कुल नहीं रहेगी। आर्थिक अड़चन है, घर में कोई किसी की सुनता ना हो, जो बच्चे है वो माँ बाप की ना सुनते हो, तो यह उपाय आपने जरूर करना है। आपको अगर नौकरी चाहिए, नौकरी में बढ़ोतरी चाहिए, तो भी यह उपाय आपके लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अधिक मास में हमने पहले तो यह 33 गोपद्म निकालने हैं। गोपद्म मतलब यह शुभ चिन्ह होता है। गो माता के पद्म हमने हमारे पूजा करके सामने निकालने हैं। उस गोपद्म में हमने लाल रंग से यह गोपद्म भर देना है और इनका सुबह शाम हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजा करना है। साथ ही हमने सप्तमी अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या प्रदोष और शिवरात्रि में यह पांच दीपक जलाने हैं। कल है पूर्णिमा, अधिक मास की यह बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। 800 साल बाद यह हमारा महासंयोग जुड़ा आ रहा है। इस समय हमने यह 5 दीपक जलाने हैं। इस दीपक में हमने लंबी बाती डालनी है। लंबी बाती का भी प्रमाण है। लंबी बाती हम नवरात्रि में माँ लक्ष्मी का, जो देवी माता का व्रत होता है, वहाँ हम लंबी बाती जलाते हैं। लंबी बाती जलाने से हमारी वंश वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, हमारे घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, इसलिए लंबी बाती जलाने का भी प्रदान है। तो इस समय पूर्णिमा के समय हमने यह लंबी बाती के 5 दीपक जलाने हैं। इसमें अगर आप चाहे तो घी तेल से भी यह दीपक जला सकते हैं। यह 5 दीपक जलाने के बाद हमने हल्दी कुमकुम अक्षत से इनकी पूजा करनी है। यह दीपक हमने शाम के समय जलाने हैं। यह आप 5 दीपक जलाए, 1 दीपक पूजा घर के सामने, 1 दीपक तुलसी माता के सामने, 1 दीपक मंदिर अगर पास में हो तो वहां मंदिर के सामने दीपक जलाए, और 2 दीपक हमारे घर के दहलीज के सामने जलाए। अगर आपको मंदिर जाना और बारिश का महीना है, बाहर हवा है, बारिश आ रही है, आपको यह दीपक जलाना पॉसिबल ना हो, तो अपने घर के पूजा घर के सामने ही यह 5 दीपक आप जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह 5 दीपक जलाने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी, प्रेम भाव घर में रहेगा, घर में आपस में मेल मुटाव जमा रहेगा। यह 5 दीपक आप इस तिथि पर जरूर जलाए, क्योंकि यह अधिक मास है। तो श्रावण महीने में यह अधिक मास पावन तिथि पर हमने यह दीपक जलाने हैं, इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा, यह कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्रिएटिव भगवान को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।